लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बड़वा में मुस्लिम समाजजनों ने मोहर्रम पर्व पर निकाला ताजिए का काफिला। बाहरी क्षेत्रों के कारीगरों ने किया आकर्षक ताजियों का निर्माण। बड़वा स्थित पडाली नदी में पानी का प्रवाह हुआ तेज। बड़वा के गणगौर घाट क्षेत्र नदी के पानी से हुआ जलमग्न। लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। शिवपुरी के गांव दिनारा में किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। किसानों ने बिजली कंपनी के जेई को सौंपा ज्ञापन। जेई ने 3 दिन में समस्या समाधान करने का दिया आश्वासन। बड़वा में मुस्लिम समाजजनों ने हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मोहर्रम पर्व के अंतर्गत मंगलवार सुबह 12 बजे मौलाना आजाद मार्ग स्थित जामा मस्जिद से नगर के मुख्य मार्गों पर ताजिए का काफिला निकाला, जिसमें नगर सहित बाहरी क्षेत्रों के कारीगरों द्वारा ताजियों का निर्माण किया गया। इन ताजियों को मुस्लिम समाजजन अपने कंधों पर उठाकर नगर में चल समारोह में शामिल हुए। उक्त चल समारोह जामा मस्जिद चौक से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग जाट मोहल्ले, इंदौर रोड, मेन चौराया, महात्मा गांधी मार्ग, गणेश मार्ग से होते हुए वापस अपने मुकाम पर पहुंचा, जहां ताजियों को रखा गया। आपको बता दें कि इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाते मातमी त्यौहार मुहर्रम में परंपरागत तरीके से लगभग 35 से अधिक छोटे बड़े ताजियों को नगर भ्रमण करवाया गया। मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदू समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी लोभान की धूप देने पहुंचे। सभी उपस्थित लोगों ने लोभान व रेबड़ी चढ़ाकर देश एवं परिवारजनों की सुख शांति की दुआ मांगी। सनावत से दिलीप सिंह पवार की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबाराक व तआला का फजल व करम कि आज मुहर्रम हराम की 10 तारीख में आशूरा इतनी बड़ी फजीलतों का हामिल है माशाल्लाह तबारक व तआला। आज के ही दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपकी कश्ती जो है जूदी पहाड़ से लगी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। इन तमाम ही बरकात को और फजीलतों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी बड़वा की आवाम ने माशाल्लाह जामा मस्जिद में जमा होकर के आशूरा की दुआ पढ़ी, सुनी और नवाफिल नमाज अदा की। इस उम्मीद पर मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का सदका लेने के लिए हम तमाम हज़रात जामा मस्जिद में हाज़िर हुए और बिलखसूस अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं मौला ताला हमारी इस आज की हाज़िरी को और इबादत को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के सदक़े। आज मुहर्रम अलहराम की 10 तारीख को योम आशूरे का दिन नगर में मनाया गया। इसमें सभी मस्जिदों में आशूरे की नमाज दुआ हुई। इसके बाद मुस्लिम अंजुमन बड़वा के तत्वदान में ताजियों का लगभग 35 से 40 ताजियों का जल समारोह नगर के विभिन्न मार्गों से निकला, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग और समाज के लोग शामिल हुए। जगह जगह लंगर और सभी के स्टॉल लगाए गए। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर नगर के प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा, उसका समाज की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बड़वा स्थित पड़ाली नदी में मंगलवार मध्यरात्रि नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया, जिससे बड़वा के वार्ड क्रमांक 4 गणगौर घाट क्षेत्र नदी के पानी से जलमग्न हो गया। एक और जहां विगत माह से बाहरी क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी और अन्य नदी नाले उफान पर है, वहीं बड़वा की पडाली नदी को पानी का इंतजार था। इस दौरान गणगौर घाट निवासी सतीश मालाकर ने बताया कि नदी में इस अधिक पानी को देख स्थानीय रहवासियों के चेहरे खिल उठे हैं। विगत कई माह से गणगौर घाट स्थित पडाली नदी में पानी के अभाव से नदी में गंदगी पसरी थी, जिससे क्षेत्रवासियों को मौसमी बीमारी की आशंका बन रही थी, किंतु अब नदी में आने वाले पानी के तेज बहाव से नदी सहित अन्य किनारों पर फैलने वाली गंदगी की सप्लाई होने के साथ ही जंगल क्षेत्र में विचरण करने वाले जानवरों को भी पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। सनावत से दिलीप सिंह पवार की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा, 2-3 महीने से इंतजार था हमको पडाली में पानी आने का। एकदम नदी साफ हो, इसलिए हम रास्ता देख रहे थे इसका कि वही कब से पानी का रास्ता देख रहे हैं। आए आए आए, पूरे भारत में जहाँ चल रहा है कि बाढ़ इधर आ रही, उधर बिहार में, यूपी में, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, सब दूर बारिश भयंकर हो रही, पर हमारे बड़वा में तो ऐसे रिमझिम रिमझिम हल्की बारिश चल रही थी।
पर अब आज लगा कि हाँ वास्तव में पानी आया है नदी में, तो बीमारियाँ भी दूर होगी इससे, पानी में सब बीमारियाँ दे जाएगी, और जो वायरल बुखार सर्दी जुकाम सब फैल रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी जनता को। शिवपुरी जिले के दिनारा में किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनपद पंचायत के सदस्य पुष्पेंद्र यादव एवं नीटू दुबे के साथ किसानों ने मिलकर बिजली कंपनी के जेई को ज्ञापन सौंपा। जिन गांवों की लाइट को पूर्व की तरह अलग फीडर से जोड़े जाने की मांग की गई एवं दिनारा कस्बे से लगे पुराने और जर्जर तारों को हटाकर नए तार लगाए और फिर से केबलीकरण किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि दिनारा में बिजली कंपनी द्वारा एक ही परिवार के बगैर मीटर के दो दो बिल थमाए जा रहे हैं। इस मामले में जेई ने 3 दिन में ग्रामीण की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सिलवानी ने नगर में गणेश उत्सव को जोर शोर से मनाया। वहीं नगर के चौक चौराहे से लेकर तंग गलियों में भी प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियों की स्थापना आयोजकों द्वारा की गई। प्रतिदिन लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से लगे देवास के ग्राम संदलपुर में एक हृदय विदारक घटना में एक ही परिवार के दो बालकों की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अयान पिता घीसू खान उम्र 12 साल निवासी सिराली जिला हरदा, उसके मामा इब्राहिम खान के यहाँ ग्राम संदलपुर में मुहर्रम का त्यौहार देखने के लिए आया था। वहीं जुबैर पिता जिब्राइल खान उम्र 8 साल निवासी संदलपुर, दोनों बालक सुबह शौच का कहकर घर से निकले थे। जब काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने उन्हें जाकर तलाश किया तो दोनों बालक के शव संदलपुर के बाहर बने कब्रिस्तान नाले के पानी में मृत अवस्था में मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां पीएम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। प्रदेश भर में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हर तरफ हलचल मची हुई है। हालात ये हो रहे हैं कि अब अधिक बारिश से जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। माँ अहिल्या की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी महेश्वर में भी भारी बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। विगत कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ओंकारेश्वर बांध के गेट खोल दिए गए, जिसके कारण अब तक सबसे ज्यादा बारिश का पानी महेश्वर किले के सामने वाले घाट तक आ पहुंचा है। और तो और अष्ट पहलू की कई सीढ़ियां भी जलमग्न हो गई है। 6 साल के बाद ओंकारेश्वर बांध के 12 गेट 3.5 मीटर खोलने के बाद किले के सामने का पूरा घाट डूब गया है। वहीं नर्मदा पट्टी में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कराया। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण मां नर्मदा का जल स्तर 149 मीटर हो गया है। नर्मदा तट पर 140 मीटर सामान्य जल स्तर है, वहीं 150 मीटर पर खतरे का निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।